नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार प्लस। आपके साथ में हूं वंदना। बुलेटिन की शुरुआत सहारनपुर से बड़ी खबर के साथ, जहां बकरीद की कुर्बानी को लेकर दो पक्षों में झड़प हुई है। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं। पथराव और बाइकों में आगजनी की गई है। पुलिस ने लाठी चार्ज कर लोगों को वहां से खदेड़ा है। लाठी चार्ज में चार लोगों के घायल होने की खबर है। फतेहपुर थाना इलाके के चौबेपुर की घटना आपको बता रहे हैं, जहां बकरीद में पशु काटने को लेकर ये विवाद हुआ है। इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर झड़प हुई है। एक दूसरे पर पत्थर बरसाए हैं। बाइकों में तोड़फोड़ की है, आगजनी कर दी है। ये बाइकें धू धू कर जल रही है। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रही है। चार लोगों के घायल होने की खबर बता दी कि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद पुलिस ने हालात को काबू में करने के लिए हल्के बल का प्रयोग किया है, लाठीचार्ज किया है। फतेहपुर थाना इलाके के चौबेपुर की ये घटना है, जहां बकरीद की कुर्बानी को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। जमकर झड़प हुई है दोनों पक्षों में। एक ही समुदाय के दोनों पक्ष हैं। जमकर लाठी डंडे चले हैं, पत्थरबाजी हुई है। इसके बाद बाइकों में तोड़फोड़ की गई है, आगजनी की गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। काफी तनावपूर्ण माहौल यहां पर बना हुआ है। इसी को देखते हुए पुलिस भारी संख्या में मौके पर तैनात है। दोनों पक्षों से बातचीत की जा रही है, पूरे मामले को सुलझाने की कोशिश कर रही है पुलिस। एक पशु को काटने को लेकर पूरा विवाद हुआ। सहारनपुर में बकरीद के मौके पर एक घमासान काम देखने को मिला है। दो पक्ष आपस में भिड़ गए, जमकर संघर्ष हुआ है। दोनों पक्षों में बकरीद की कुर्बानी को लेकर ये झगड़ा हुआ, जहां एक दूसरे पर लाठी डंडे बरसाए हैं। दोनों पक्षों ने पत्थर भी फेंके हैं। आगजनी की गई है, बाइकों में तोड़फोड़ की गई है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सहारनपुर से, जहां पुलिस ने लाठी चार्ज किया है हालात को काबू में करने के लिए। लाठी चार्ज में चार लोगों के घायल होने की खबर है। फिलहाल बेहद तनावपूर्ण स्थिति यहां पर बनी हुई है। बकरीद में कुर्बानी को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए, जमकर लाठी डंडे चले हैं। एक दूसरे पर पत्थर भी बरसाए हैं लोगों ने। बाइकों में तोड़फोड़ की गई है, आगजनी की गई है। बकरीद की कुर्बानी को लेकर दो पक्षों में झड़प हुई है, जहां देश भर में शांति और सौहार्द का प्रतीक ईद उल जुहा मनाया जा रहा है। वहीं सहारनपुर में बकरीद की कुर्बानी को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। पशु काटने को लेकर विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लाठी डंडे बरसाए हैं, पत्थरबाजी की है। इसके अलावा आगजनी भी की गई है, तोड़फोड़ की गई है, बाइकें जला दी गई है। काफी नुकसान भी एक दूसरे का किया है लोगों ने। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है। दोनों पक्षों से बातचीत कर रही है पुलिस। वहीं इस दौरान हंगामा बढ़ता देखकर पुलिस ने हल्के बल का प्रयोग किया है। लाठी चार्ज भी पुलिस की तरफ से किया गया है। इस लाठी चार्ज में चार लोगों के घायल होने की खबर भी सामने आ रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है, जांच भी जुटी हुई है। दोनों पक्षों से बातचीत की जा रही है, मामले को सुलझाने की कोशिश में पुलिस जुटी हुई है। सहारनपुर में बकरीद की कुर्बानी को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए, जमकर दोनों पक्षों में झड़प हुई है। एक दूसरे पर लाठी डंडे बरसाए हैं। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची है, पूरे मामले को सुलझाने की कोशिश कर रही है। हंगामा बढ़ता देखकर पुलिस ने हल्के बल का प्रयोग भी किया है, लाठी चार्ज किया है। तो एक पशु को काटने को लेकर इतना विवाद हुआ कि दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए, संघर्ष हुआ, लाठी डंडे चले, एक दूसरे पर पत्थर फेंके गए। इसके अलावा बाइकों में तोड़फोड़ की गई है, जगह जगह आगजनी की गई है। सहारनपुर से खबर लगातार आपको दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां दो पक्ष बकरीद में कुर्बानी को लेकर आपस में भिड़काए। ये घटना थाना फतेहपुर के गांव चौबारा की है, जहां कुर्बानी के स्थल को लेकर के एक ही समुदाय के दो पक्ष आपस में विवाद कर लिए थे, जिसमें फोर्स मौके पर भेजा गया था। सीओ, एसडीएम, एसपीआरए सभी मौके पर मौजूद भी है। शांति व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। दोनों पक्षों से ही दो दो लोगों को हिरासत में लिया गया है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। तो फिलहाल पुलिस कार्रवाई की बात कर रही है, दोनों पक्षों से बातचीत कर रही है पुलिस, मामले को सुलझाने का प्रयास कर रही है। मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात है। काफी तनावपूर्ण स्थिति यहां पर बनी हुई है। एक ही समुदाय के दो लोग आपस में भिड़ गए। बकरीद का मौका है, पावन पर्व है, लेकिन दोनों पक्षों में बकरीद की कुर्बानी को लेकर झड़प हुई है और जमकर संघर्ष हुआ है। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची है, दोनों पक्षों से बातचीत की जा रही है। इसके बाद कार्रवाई की बात कर रही है पुलिस। वही हल्के बल का प्रयोग भी पुलिस को करना पड़ा पूरे मामले को सुलझाने के लिए, हंगामा रोकने के लिए। जहां लाठी चार्ज किया है पुलिस ने, हंगामा कर रहे लोगों को वहां से खदेड़ा है। चार लोग इस दौरान घायल हुए हैं। जमकर तोड़फोड़ की गई है दोनों पक्षों की तरफ से, आगजनी की गई है।
बाइकें भी जला दी गई। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है सहारनपुर से, जहां दो पक्ष आपस में भिड़े हैं, जमकर लाठी डंडे चले हैं दोनों पक्षों में, एक दूसरे पर उन्होंने पत्थरबाजी की है, आगजनी भी की है, तोड़फोड़ भी की गई है। फिलहाल पुलिस ने लाठीचार्ज कर वहां पर हंगामा कर रहे लोगों को खदेड़ा है। चार लोग लाठीचार्ज में घायल हुए हैं। फिलहाल पुलिस मौके पर तैनात है, लोगों से पूछताछ कर रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रही किस तरीके से यहां वाहन जलाए गए हैं, धुआं धुआं हुआ है सहारनपुर, जमकर पत्थरबाजी की गई है एक दूसरे पर, काफी संघर्ष दोनों पक्षों में हुआ है। एक ही समुदाय के, मुस्लिम समुदाय के दोनों पक्ष हैं। बकरीद की कुर्बानी को लेकर, पशु काटने को लेकर ये पूरा विवाद हुआ है। इसके बाद जमकर संघर्ष हुआ, दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लाठी डंडे बरसाए हैं। वहीं खबर मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची, तत्काल हंगामा रोकने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा है। पुलिस ने जमकर लाठियां भांजी हैं, चार लोग लाठीचार्ज में घायल हुए हैं। फिलहाल पुलिस दोनों पक्षों से बातचीत कर रही है, पूछताछ कर रही है, जानकारियां जुटा रही है किस तरीके से झगड़ा हुआ है और आगे की कार्रवाई उसी के आधार पर की जाएगी, पुलिस का ये कहना है। तो बकरीद के मौके पर जहां देश भर में धूमधाम से त्यौहार मनाया जा रहा है, लोग एक दूसरे को गले लगाकर शुभकामनाएं दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सहारनपुर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां बकरीद में कुर्बानी को लेकर एक ही समुदाय के दो लोग आपस में भिड़ गए, दोनों पक्षों में जमकर तनाव हुआ है, जमकर संघर्ष हुआ है। तो हालात बेहद ही तनावपूर्ण फिलहाल दिखाई दे रहे हैं, इसलिए भारी संख्या में पुलिस फोर्स यहां तैनात है, जो लगातार दोनों पक्षों से बातचीत कर रहा है, पूरे मामले को सुलझाने की कोशिश की जा रही है। हालात को काबू में करने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल मुस्तैद। तो एक पशु को काटने को लेकर पूरा विवाद हुआ, एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार समाचार प्लस आपको दिखा रहा है किस तरीके से बकरीद के मौके पर, पावन पर्व के मौके पर दो पक्ष आपस में भिड़ गए हैं।